हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने मोटापे से बहुत तंग रहते हैं, अपनी निकली हुई तोंद से, अपनी बढ़ी हुई चर्बी से, लेकिन उनका लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि वो जिम नहीं जा सकते, ना तो वो सुबह उठकर वॉक पर जा सकते हैं। तो मैं आज एक बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ जिसे करने से आप 7 ही दिन में अपना बहुत सा वज़न कम कर लेंगे। ना तो इसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा और ना ही सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। आप अपने बिजी लाइफस्टाइल में ही रहते हुए इसे अपनाइए और अपना बहुत सा वेट कम कर लीजिए, अपनी निकली हुई तोंद को कम कर लीजिए। ये तरीका क्या है, आइए जानते हैं। इस रेमेडी को करने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच जीरा पाउडर, 7 लहसुन की कलियां और 1 ग्लास गरम पानी। इन 3 चीज़ों से ये रेमेडी शुरू होती है। वैसे तो लहसुन खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन लहसुन अगर आप रोज़ सेवन करें तो आपका वज़न दिनों में ही कम हो जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि लहसुन कितना फ़ायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए। लहसुन को खाने से ना तो सिर्फ मोटापा और भी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो भी कंट्रोल में हो जाता है। अगर आपको गठिए के दर्द की प्रॉब्लम है तो वो भी कंट्रोल में हो जाता है। अगर आपके दांतों में दर्द है तो लहसुन खाना भी फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपको गैस ट्रबल है तब भी लहसुन बहुत फ़ायदेमंद होता है। सिर्फ लहसुन ही नहीं, जीरा भी वज़न कम करने में बहुत मदद करता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट लें तो दिनों में आपकी चर्बी पिघल जाएगी। जीरा ना तो सिर्फ वज़न और भी चीज़ों में हमारी बहुत मदद करता है। जिनकी डिलीवरी अभी हुई हो उनको दूध बढ़ाने में ये बहुत मदद करता है, और जिनको सांस की प्रॉब्लम हो उनके लिए जीरा पाउडर खाना बहुत ही अच्छा है। जिनको रात को नींद नहीं आती उनके लिए भी जीरा पाउडर बहुत ही अच्छा है। इन दोनों के औषधि गुण हज़ारों हैं, इनको खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए जानते हैं हमें क्या करना है। आप एक कढ़ाई ले लीजिए, उसको गर्म करने के लिए रखिए, फिर उसमें लहसुन की 7 कलियां डालकर बिना घी के उसे अच्छे से भून लीजिए दोनों तरफ से। जब तक वो ब्राउन ना हो जाए उसे भूनते रहिए धीमी आंच पर, उसे पलटते रहिए। हजारों गुणों से भरपूर लहसुन जब आप लेना शुरू करेंगे तो आप पहले ही दिन से इसका असर देखेंगे। आप देखेंगे आपका दिनों में ही वजन कम हो जाएगा, चर्बी पिघलने लगेगी, आपके चेहरे पर एक अलग सा ग्लो आने लग जाएगा, आप नोटिस करेंगे। सर्दी खांसी में लहसुन लेना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। जिनको गठिया की प्रॉब्लम है वह भी भूनकर लहसुन ले सकते हैं, उनको दर्द में बहुत आराम रहेगा। लहसुन के बहुत ही फ़ायदे हैं। लहसुन हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर हमें किसी भी तरह की एलर्जी हो तो लहसुन खाना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। देखिए, लहसुन एक तरफ से पूरा ब्राउन हो गया है, हम दूसरी तरफ से इसको अच्छे तरह से भून लेंगे। ये अब दोनों तरफ से भून चुका है, अब हम इसे एक एक कर निकाल लेंगे। देखिए, गैस ऑफ कर दीजिए, अब एक एक कर इसे निकाल लीजिए। अब आपको करना क्या है, 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर लेकर गर्म पानी में, गुनगुने पानी में इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और फिर 1 लहसुन की कली आपने रोज़ चबाकर, अच्छे से चबाकर ऊपर से ये जीरे वाला पानी पी लेना है। ये लहसुन की कली आपने पूरे 7 दिन तक रेगुलर लेनी है। आप चाहें तो इसको लंबे समय तक भी ले सकते हैं, लेकिन इसका अच्छा असर आप 7 दिन में भी देख लेंगे। इसको आप जीरे वाले पानी के साथ लीजिए, इसका असर आप खुद ब खुद देख लेंगे, दिनों में अपना वज़न कम कर लेंगे।
आपने देखा एक छोटी सी लहसुन की कली कितना कमाल करती है हमारी बॉडी के लिए, ना तो सिर्फ मोटापा, ये और भी बीमारियों में हमें लड़ने की ताकत देती है, जिसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, ऐसी बहुत सारी बीमारियों में हमें ताकत देती है लड़ने की। इसे ना तो सिर्फ मोटे लोग, पतले लोग भी अपना सकते हैं इस रेमेडी को। अगर पतले लोग भी सुबह उठकर लहसुन खाएं तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप भी 7 दिन में अपना वेट कम करना चाहते हैं, अपनी मोटी हुई तोंद को कम करना चाहते हैं, बिना एक्सरसाइज किए हुए, बिना उठे हुए, बिना मेहनत किए हुए और बिना खाना छोड़े हुए, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर अपनाइए और आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। 7 ही दिन में आप अपना बहुत सा वज़न कम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं आपके साथ फिर मिलूंगी अगली बार एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।